हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैट का सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉय हमें कैसे बनाना है। ये फेदर स्टिक्स है जो कैट्स को काफ़ी पसंद होती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सो हमें लगेगा ग्लू गन, स्टिक्स, बलून स्टिक्स, क्राफ्ट स्टिक्स, वुडन की सम फेदर्स और थोड़े बहुत छोटे बेल्स। सो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वुडन क्राफ्ट स्टिक है और ये एक बलून स्टिक है। आप अगर ये स्टिक को इसके अंदर डाल देंगे तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा और इससे ये जल्दी टूटेगा नहीं। और इसको अगर आपको और मज़बूत करना है तो आप थोड़ा बहुत इस पर ग्लू लगा के इसको अच्छे से स्टिक करके इसे मज़बूत कर सकते हो। ये मेरे पास पुराने फेदर स्टिक का कैप था जो मैं इसमें लगा रही हूँ और इसे अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लू के मदद से भी उसको नीचे से अच्छे से टाइट कर लीजिए। नाउ अब हम फेदर्स लेंगे। और अब हम ये फेदर्स को स्टिक कर देंगे। आप स्टिक के अंदर थोड़ा सा ग्लू लगाइए। आप फेदर्स को स्टिक के अंदर अच्छे से स्टिक कर दीजिए। थोड़ा सूखने दीजिए इसको। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्लू डाला है अंदर ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हमें इस तरीके से इसे और अच्छे से फिक्स करना है। इससे फेदर्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे और अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। अब जो कि हमने बेल्स ली थी छोटी, तो मैंने ये कुछ थोड़ा धागे के अंदर डाल के रखे थे। अगर आपके पास रिबन्स है तो आप रिबन्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम इसे स्टिक कर देंगे। बेल्स इसीलिए लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैट्स को सबसे ज़्यादा बेल्स की आवाज़ से बहुत प्यार है। आप बिना बेल्स के कोई भी फेदर टॉय ना बनाएं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसे ऐसे स्टिक कर लेंगे। और हमें इस पे भी ग्लू लगा के इसे अच्छे से फिक्स करना है ताकि बेल्स गिर ना जाए। अब हम ग्लू गन लेके इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड आपको दिख रहा है आप ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। और अब ये थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है तो हम इसे भी अट्रैक्टिव कर देंगे। पहले हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। ये मेरे पास कुछ स्टिकर्स रखे हुए थे, ये आपको आसानी से कहीं भी कोई भी शॉप पे मिल जाएंगे। मैंने स्टिकर को कट कर लिया है और जो मैंने थ्रेड जो हमको दिख रहा था वहाँ इसे मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है।
आप वो थ्रेड को स्टोन से भी डेकोरेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे पास स्टिकर था तो मैंने स्टिकर से इसको अट्रैक्टिव बना लिया। सो अब ये एक बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी फेदर स्टिक लग रही है। अगर आपके पास छोटे फेदर्स है तो आप छोटे फेदर्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड आप देखेंगे कि कैट्स को ये कितना पसंद आ रहा है मेरे, क्योंकि उन्हें हर नई चीज़ एक्सप्लोर करने की बहुत जल्दी रहती है। होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है आपके किटन्स के लिए, कैट्स के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड गिव योर इमेंस लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।